जो सबसे ज्यादा मेरे को आस्ट क्वेश्चन है, मतलब आप सब भाइयों ने जो मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, सारे कमेंट्स को मैंने रिव्यू किया, तो मुझे एक क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा मिला कि इस गाड़ी की भाई एवरेज कितनी है, कितना देती है, द मेन टॉपिक, द मेन क्वेश्चन। तो आई थॉट कि मेरे को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ही होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन वॉज द मोस्ट आस्ड फ्रॉम मी। सारे ही जितने भी मैंने आपको 3XO का कंटेंट डाला है, आप देख सकते हो काफ़ी सारा मैंने रियल कंटेंट डाला हुआ है एग्जैक्ट नॉलेज के साथ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रिगार्डिंग द एवरेज, क्योंकि इसमें इतने सारे वेरियंट्स आ रहे हैं, MX1, MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, AX5, इतने सारे इसमें अराउंड 10-11 वेरियंट है, दैट इज़ कन्फ्यूजिंग यू। ऑटोमेटिक भी है इसमें, मैनुअल भी है, तो डीजल में भी ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। सो दिस थिंग इज़ रियली कन्फ्यूजिंग द बायर, मतलब जो बायर है वो जाता है, ही गोज टू द शोरूम, ही इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट कि किस गाड़ी में क्या फ़र्क है। और मेन क्वेश्चन विच एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि इसकी एवरेज कितनी है, माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, कितना देती है, एज वी आस्क कितना देती है भाई। उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ भाई ये कितना देती है आज मैं आप, क्योंकि हम लोगों ने एकदम इंस्टेंटली वी कुडंट गिव यू द एनालिसिस, क्योंकि हम इसकी स्टडी कर रहे थे, एग्जैक्ट नॉलेज इसकी जब तक हमें नहीं आई तब तक मैं इसकी वीडियो पोस्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि कोई भी किस्म का वेग नॉलेज देने का हमारा पर्पज़ कभी भी आप लोगों का नहीं रहता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ जो इसका सबसे पहला जो वे, अभी आज जो हम ये जो वीडियो है इसमें हम इसके MX सीरीज़ के ही बात करेंगे, मीन्स जो बेसिस हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बेस है, MX सीरीज़ की हम बात करेंगे एवरेज कितना दे रही है ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेस, जो इसका बेस मॉडल है MX1 प्रॉपर बेस है, जो मतलब सेकेंड थर्ड नहीं, जो प्रॉपर बेस मॉडल है जिसको आप कह सकते हो MX, जिसको आप कह सकते हो XUV 3XO का बेस मॉडल, सेकेंड थर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज MX1। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या आपको इसमें क्या रह रहा है। इसके अंदर आपको जो गाड़ी के अंदर जो इंजन आ रहा है दैट इज़ 1.2 लीटर ओनली पेट्रोल इंजन, आपको इसमें डीजल CRDE नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ी आ रही है। आपको मैं अभी ये बताता हूँ कि हमारा एनालिसिस के हिसाब से इसका क्या एग्जैक्ट एनालिसिस, सारा स्टडी के बाद हमारा इसका क्या आपको एवरेज निकल रहा है, मैं आपको रियल एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले पेपर की भी बताता हूँ, और पेपर जो महिंद्रा क्लेम कर रहा है इस गाड़ी की एवरेज, ये आपको क्लेम कर रहे हैं मैनुअल के अंदर 18.8 की एवरेज ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कितनी आ रही है। सी ऑन द हाईवे ये गाड़ी जो आपको एवरेज दे रही है दैट इज़ अराउंड 17 और 18, और ये जो आपको गाड़ी सिटी में एवरेज दे रही है दैट इज़ अराउंड 12-13। तो पेट्रोल में आपको ये इस गाड़ी की एवरेज रहेगी। फ्रेंड्स अब मैं आपको सेकंड बेस का बताया था इसमें क्या एवरेज रहेगी, जो आपको MX2 सेकंड बेस है उसके अंदर आपको सिर्फ डीजल आ रहा है, जैसे आपको MX1 में ओनली पेट्रोल आ रहा है, सेकेंड बेस जो MX2 है वो आपको सिर्फ डीजल CRDE टर्बो इंजन, बहुत हैवी और बढ़िया इंजन है ये, तो इसमें आपको जो एवरेज है वो उसको आपका एवरेज में थोड़ा सा बूम हो जाएगा। इसमें आपको एवरेज जो गाड़ी की MX2 की रहेगी वो जो ऑन पेपर है वो 20.6 महिंद्रा क्लेम कर रहा है, लेकिन रियल जो एवरेज डाटा एनालिसिस के बाद और सारा जो हमने कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन उसके बाद, जो आपका रियल इन्फो जो आपको रियल एवरेज ऑफ सिटी है, सिटी की आपकी एवरेज अराउंड 13-14 है, और आपको जो हाईवे पे एवरेज आ रही है वो 17-19 है, तो इट इज़ वेरी गुड एवरेज। अगर आप ब्रीजा वगैरह से या किसी से कंपेयर करोगे तो आई डोंट थिंक कि आप किसी तरीके से डिसअपॉइंट होएंगे, एवरेज के मामले में गाड़ी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम सेगमेंट की गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ लेट मी कम टू द छुपा रुस्तम वेरिएंट, जो इस गाड़ी का छुपा रुस्तम वेरिएंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हम लोगों ने करी है और सबसे ज़्यादा चर्चा का वेरिएंट है वो, और जिसने जिसकी नॉलेज किसी के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है, तो हमने उसको शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। जो सेकेंड बेस का सेकेंड सब वेरियंट है MX2 Pro में फ्रेंड्स आपको इसके तीन टाइप्स में आपको गाड़ी मिल रही है, ये आपको पेट्रोल में भी आ रही है, डीजल में भी आ रही है, पेट्रोल ऑटोमेटिक भी आ रही है और पेट्रोल मैनुअल भी आ रही है, डीजल ऑटोमेटिक में नहीं आ रही। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि आपको जो MX2 Pro है वो आपको पेट्रोल मैनुअल में क्या दे रही है, पेट्रोल मैनुअल में वो आपको दे रही है अराउंड 12-13 इन द सिटी, रियल एवरेज की बात कर रहे हैं, और जो हाईवे पे दे रही है वो 17-18 दे रही है MX2 Pro पेट्रोल वाली। अब MX2 Pro ऑटोमेटिक की भी बता देता हूँ, इसकी आपको रियल सिटी एवरेज है 12-13 की, और हाईवे की एवरेज यू आर गेटिंग अराउंड 16-18,
तो एवरेज बहुत अच्छी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डीजल वाला इसका RS CRD टर्बो इंजन, उसमें आपको एवरेज रहेगी 13 से 14 इन द सिटी एंड 17 टू 19 इन ऑन द हाईवेज। तो गाड़ी की एवरेज अच्छी है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया एवरेज है। सेगमेंट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, गाड़ी की एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्सॉन वगैरह से आप कंपेयर कर सकते हो, बाकी इफ़ यू वांट देन यू कैन कंपेयर विद ब्रीजा और इवन क्रेटा। तो ये आपके MX2 हो गया, MX2 प्रो भी कवर हो गया। नाउ लेट मी टॉक अबाउट MX3 जो इसका थर्ड बेस है, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको इंजन सारे टाइप के आ रहे हैं गाड़ी में, आपको इसमें डीजल भी आ रही है, ऑटोमेटिक में भी डीजल आ रही है, एंड पेट्रोल में भी अगर आप चाहो तो आप ऑटोमेटिक चूज कर सकते हो। तो इसका मैं आपको बताता हूँ सारा कि क्या क्या रहेगा। देखो, इफ़ यू टेक पेट्रोल मैनुअल तो आपकी इस गाड़ी की एवरेज रहने वाली है सिटी की 12 से 13, हाईवे की 17 से 18, ये रियल एवरेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो, अगर आप इसमें ही पेट्रोल में MX3 ऑटोमेटिक लेते हो तो आपकी रहेगी 12 से 13 इन द सिटी और 16 से 18 ऑन द हाईवेज। ये होगी पेट्रोल वाली की बात, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अब मैं आपको बताता हूँ डीजल वाली इफ़ यू ऑप्ट तो आपकी क्या रहेगी। डीजल वाली कार इफ़ यू ऑप्ट फॉर मैनुअल तो आपकी सिटी एवरेज है 13 से 14। उसके बाद इफ़ यू ऑप्ट फॉर ये सिटी की एवरेज हो गई, और हाईवे की आपकी मैनुअल वाली MX3 डीजल की 17 से 19। देन इफ़ यू ऑप्ट फॉर ऑटोमेटिक तो आपकी ऑटोमेटिक में रह रही है सिटी की एवरेज 14 और हाईवे की 19। तो ये होगी ऑटोमेटिक वाली की भी बात। नाउ लेट मी टेल यू फास्ट कि इसमें आपको MX3 प्रो में आपका क्या रहेगा। MX3 प्रो में भी आपको सेम ही होता है, यू विल गेट पेट्रोल वाली भी मैनुअल में, यू विल गेट पेट्रोल वाली इन ऑटोमेटिक ऑल्सो, देन डीजल वाली इन मैनुअल, डीजल वाली इन ऑटोमेटिक ऑल्सो। तो लेट मी टेल यू फास्ट कि आपको इसका क्या रहेगा। इसमें आपको मैनुअल, इफ़ यू टेक मैनुअल पेट्रोल देन इट विल गिव यू एन एवरेज ऑफ 12 टू 13 इन द सिटी, 17 टू 18 ऑन द हाईवेज। देन इफ यू टेक ऑटोमेटिक पेट्रोल देन इट विल गिव यू 12 टू 13 रियल एवरेज इन द सिटी एंड 16 टू 18 रियल एवरेज ऑन द हाईवे। नाउ लेट मी जंप फास्ट टू द डीजल वन। डीजल में अगर आप लेते हो मैनुअल तो इट विल गिव यू 13 टू 14 सिटी एवरेज, 17 टू 19 हाईवे एवरेज। फास्ट मैं अब आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक में क्या रहेगा। डीजल इसकी आपको डीजल की ऑटोमेटिक में आपको सिटी एवरेज 14 एंड हाईवे एवरेज 19। तो हाईवे का इसमें गाड़ी का ज़्यादा इशू नहीं है। सी इफ़ यू ड्राइव द कार प्रॉपरली, अगर आप लो पैडल पे कार चलाएंगे तो माइट भी आपको एक दो पॉइंट इससे ऊपर नीचे भी एवरेज हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे मैंने आपको बेस कवर करके बता दिए, जल्दी से जल्दी ट्राइड के मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि इतना सारा डाटा देने में कई बार थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और मेरे ये एफर्ट रहता है कि वीडियो जो है वो लंबी ना रहे। तो इफ़ आई होप आपको मेरा डाटा फ्रेंड्स पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और बाकी आप वीडियोज जाके देख सकते हैं। XUV 3XO के ऊपर बहुत सारा रियल कंटेंट बनाया हुआ है, सारे मॉडल्स के ऊपर A to Z सारे मॉडल्स कवर कर रखे हैं। तो यू कैन गो, अगर आपको कोई मॉडल आपका पसंद आ रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट वाली उस गाड़ी के बारे में, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वोट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।